तो मामा 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 करती रहती है हर टाइम, मामा मामा करते रहती है हर टाइम, करती रहती है मालूम है आपकी बीवी मामा मामा ऐसा क्यों? अब बस उसको जो है तो पैसा सब मिला हुआ है ना, तो इस वजह से जो है तो मामा का काम दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं भाई, पहले आप देखोगे शहडोल में क्या था। हाँ। अभी कल से ट्रेन भी चल गई, आप देखे नहीं देखे हैं? हाँ, तो भाई आदमी क्या सोचता है, जो मैं चाहूँ वो ही हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, हर काम सब सिस्टम से होता है। कैसी रही थी 15 महीने की सरकार वो? उनकी जी की सब माफियाओं की रही, खींचतान जितना करप्शन था खींचो खाओ, रजिस्ट्री करवाना हो तो 25,000 का 1,00,000 रुपया दो, कमीशन बाजी हराम खोरी सब यही था 15 महीने की सरकार। तो इतना कर दिया मामा, कोरोना वायरस में इतनी महामारी में हम लोगों को सपोर्ट किए, बकायदा बैंकों में पैसा डाले 1,000 500 रुपए सपोर्ट। और कांग्रेस पार्टी कह रही है मामा सिर्फ झूठ बोलते हैं। मामा जी की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग हमारे दृष्टि में तो चली रही है, बहना योजना हो चाहे लाडली लक्ष बच्चे की योजना हो चाहे बहुत प्रकार की योजनाएं, हम ही लोगों को मिली है 10,000 रुपए की योजना, अभी 20,000 रुपए मिला है। क्या लग रहा भाई साहब? हाँ भैया बोलिए। ये तो कह रहे हैं मामा आई लव यू, हेला तो वो सही बोल रहे हैं ना। सही बोल, क्या सही नजर आ रहा है इसमें? अब क्या है, जन्म से मरण तक की व्यवस्था उन्होंने कर दिया बीजेपी वालों ने। भाई जब से इंसान पैदा होता है अब मरते तक का वो पैसा दे रही है, इसलिए जो है तो भाजपा आएगी और विकास भी किया है उन्होंने। आप भी मामा को आई लव यू बोल रहे हैं क्या? बोलते हैं वो, हमारी पत्नी को 1,000 रुपए मिल रहा है, 1,250 रुपए मिल रहा है, मतलब पत्नी को 1,000 रुपए मिल रहा है इसलिए आई लव यू बोला जा रहा है। नहीं विकास भी किया है उन्होंने, विकास भी किया है, विकास भी किया है जी, इसलिए मामा है। कमलनाथ जी नहीं है क्या? कमल नाथ जी का थोड़ा समय अभी लगेगा, कुछ दिन समय लगेगा। समय लगे। आप क्या कहेंगे? एक मिनट भैया एक मिनट जरा, आपको क्या लग रहा है इस बार? ये कह रहे हैं मामा आई लव यू, आप भी बोल रहे हैं क्या मामा आई लव यू? मामा शिवराज सिंह जिंदाबाद, मामा शिवराज सिंह जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? आएगा मामा, सब काम करता है, मामा ही आएंगे, मामा ही आएगा, शिवराज को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? शिवराज काम कर रहा है। क्या कर दिया है? कमलनाथ भी तो कह रहे हैं सबको पैसा दे रहा है, मकान बना के दे रहा है। हाँ। बाकी मेरे लिए तो कुछ नहीं सुन रहा। हाँ। बाकी आएंगे मामा, ना घर है ना दीवार है। हाँ। परेशान, लेकिन मामा जिंदाबाद कर रहे हैं आप भी। हाँ, मैं अपने आत्मा से बोल रहा हूँ, आत्मा से बोल रहे हैं। हाँ, कि मामा जिंदाबाद है। मामा से कुछ मांग रहे हो? नहीं, वो मामा हम क्या दे दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, दे दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन मामा की तारीफ ही कर रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं जब से मैं वोटर में पड़ा हूं तब से मैं भाजपा को ही मैं वोटर दे रहा हूं। ऐसी क्या वजह रही, कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? अपन आत्मा आई इच्छा यार, मतलब जो मामा को और ये मोदी को वोट देते हैं आत्मा से देते हैं, मतलब नहीं, मैं केवल अपने दृढ़ विश्वास से देता हूँ कि मैं भाजपा को ही देऊंगा। तुलसीदास जी चौपाई लिखी है ना, कि को नृप हो वह हमें कहानी, अचेरी छार न हो वह रानी, है को राजा बने को रंग बने को का करे, हमसे कोई लेना देना नहीं है, है? आएगा तो भाजपा ही आएगा, आएगा तो भाजपा ही और मामा ही आएगा। हाँ, मामा के अलावा कोई नहीं है। मामा के अलावा अब मैं क्या बताऊं, मामा राजा भगवान पहली बार आया है। ये इतने नेता बने, नरेंद्र मोदी जैसे नेता नहीं, जो कि राम मंदिर बनवा के धर दिया है, राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया है, मेरे राम जी को नहीं बैठा पाई, राम जी को ही हमने अवतार, राम जी ने हमको अवतार किया है, राम जी के हम शरण में जाएंगे और राम जी हमारे हैं। भावुक हो रहे हैं आप ये बातें कहते कहते, रिश्ता जुड़ा हुआ है क्या उन लोगों से? नहीं, रिश्ता नहीं जुड़ा है, बस आंखें तो कुछ बता रही हैं, आंसू जैसे पानी आ रहा है आंखों में, क्या बात है? आत्मा तो आ रहा है, मतलब आत्मा से बातें निकल रही हैं, ये दिल की बातें हैं ये। बाकी चेहरा खुश है एकदम है, और कुछ कहना चाहते हो कह सकते हैं आज ही, आप माइक आपके लिए है, नहीं, जो नहीं, मन में हो कह सकते हैं आप। बस कुछ नहीं, बस बहुत बोल दिया हूँ, बस मामा ही। हाँ, कांग्रेस वाले कुछ नहीं, नहीं। 60 साल उन्होंने राज्य किया, भैया बताइए क्या बनाया? 60 साल कांग्रेस वालों ने राज्य किया। हाँ।
क्या बनाया, मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से रोड रोड बन गया, कुछ बहुत लाइट आ गई और रोड भी बन गया, लाइट आ गई और घर द्वार मिल गया गरीबों को। तो ये बताइए, विकास ही तो है ना, विकास ही है। हाँ, यही विकास में जरा विकास यही है। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है इस बार? जो सबकी राय है वही हमारी भी राय, सबकी राय वही है। वो तो कह रहे हैं मामा है इस बार, मामा है मामा। किसकी सरकार इस बार भैया? आएंगे तो मोदी जी ही, भाजपा ही आने वाली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा ही आने वाली, मामा ही है मतलब। मामा ही है, मामा जी से भर, मामा जी से बस एक चीज और अनुरोध है कि जैसे बाकी वर्गों के लिए जैसे वो कर रहे हैं विकास की चीजें, एक बार जनरल वालों के लिए और देख ले, क्योंकि जनरल वाले को भी जरूरत है। हाँ। क्योंकि सारे जनरल वाले ऐसा नहीं रहता कि सारे सब मतलब संपत्ति रखे हो सबके पास पैसे। हाँ। ऐसा नहीं है, सब वर्गों को देखना, जनरल वालों के लिए बस और करे मन से, बाकी सब बढ़िया। और आने वाले मामा ये करे ना करे, हाँ। लेकिन हमारी तरफ से भाजपा और मोदी जी ही हमेशा रहेंगे, मामा ही रहेंगे, मामा ही रहेंगे, मामा ही रहेंगे। कमलनाथ जी क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, भाजपा के आने, कांग्रेस और भाजपा में बहुत अंतर है। हाँ, क्या अंतर नजर आ? कांग्रेस में आप देखिए बहुत सी जगह में विकास नहीं हो पा रहे, लेकिन आज की डेट में इंडिया जो है, अपना जो भारत है वो यूथ हो गया। पहले सब इंडिया बोलते थे, आज की डेट में सब जगह भारत का नाम हो रहा है। सब जगह देखिए, अपन मून में भी जा रहे हैं, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी देशों से भी अच्छे संपर्क हो गए, सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाली तो भाजपा ही है, भले कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। राहुल गांधी जब प्रचार करेंगे तब क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। राहुल मामा के टक्कर में नहीं है क्या? कोई नहीं है, मध्य प्रदेश में मामा ही है, मामा ही है, मतलब मामा ही है। मामा जिंदाबाद, आई लव यू, आई लव यू। मामा को आई लव यू क्यों नहीं, मामा प्यार करेंगे, हम भी प्यार करेंगे, सीधी सी बात है। कैसे बोला है मामा को एक बार और? मामा आई लव यू, मामा आई लव यू, मतलब मामा से प्यार कर रहे हैं। मामा एकदम आएंगे, मामा बस एक बार जनरल वालों के लिए और करें, फिर तो मामा। शिकायत है, एक छोटी सी शिकायत है, एक छोटी सी शिकायत है, क्योंकि जैसे मामा जी ने क्या किया, जो एमपी बोर्ड्स वाले रहे उनके मतलब 70% से और 90% से ऊपर आए तो खूब ज़्यादा उनको फ़ायदा मिला, 25,000 पर एनम सबके पास आए, सबके अकाउंट में आए। उसके बाद उनको स्कूटीज भी मिली और लैपटॉप्स भी मिले, तो सारी चीज़ों का वितरण हुआ बहुत सम्मानित तरीके से हुआ। बट जनरल वालों ने जितनी मेहनत करी, उन्होंने भी मेहनत करी, उतना ही किया, सारी चीज़ें करी। बाद में कहेंगे मामा आई लव यू ना, मामा आई लव यू, वो तो कुछ भी हो, मामा आई लव यू, भाजपा आई लव यू, मोदी जी आई लव यू, वो तो सीधी सी बात, एकदम सीधी सी बात। आएंगे मामा ही, कुछ टक्कर कोई भी नहीं है, भले कोई भी आ जाए, भाजपा मतलब भाजपा। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। क्या बताया? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जी। हाँ कासिम जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बार? अरे मैं तो मामा है क्या जी? मामा की सरकार आ रही है? अरे मामा तो हमारी बीबी तो मामा 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 करती रहती है, हर टाइम मामा मामा करती रहती है, हर टाइम करती रहती है, मालूम है आपकी बीबी मामा मामा, ऐसा क्यों? अब बस उसको जो है तो पैसा सब मिला हुआ है ना, तो इस वजह से जो है तो बोलते मामा मामा करती रहती है। तो आप क्या करते हैं? अरे मैं तो बस जो है तो भाई, जब आदमी होता है ना तो अपने कारोबार के लिए तो सब बिजी रहता है, कारोबार के लिए बिजी रहते हैं। हाँ, लेकिन धर्मपत्नी जो कहती हैं वही करके दिखाएंगे क्या इस बार भी? जी हाँ, वो तो कहती होंगी मामा की सरकार बनवा दीजिए। हाँ वो तो कह रही है ना। हाँ। वो तो आप क्या सोच रहे हैं? अरे बस सबसे पहले हम तो अभी हम अपने बिजनेस को सोच रहे हैं कि कुछ जो है तो अभी नया नया चालू किया हूँ, कि अभी तक तो बैठे हुए थे, तो अभी सोच रहे हैं कुछ जो है तो बाद में सब ठीक होगा। अगर मैं ऐसी बात करूँ, मामा ने काम किया है या नहीं? इन काम तो जब से जो है तो बने हैं, पहले देखो क्या था, यहाँ खुद ही देख सकते हैं साफ पूरा जो है तो, लेकिन जो है तो बहुत काम उन्होंने किया, काम जो किया वो दिखाई देता है, हमको नहीं आपको भी दिखाई दे रहा है। मामा का काम दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं भाई, पहले पहले आप देखोगे शहडोल में क्या था। अभी कल से ट्रेन भी चल गई, आप देखें कि नहीं देखे हैं? हाँ, तो भाई आदमी क्या सोचता है, जो मैं चाहूँ वो ही हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, हर काम सब सिस्टम से होता है। काम उन्होंने काफ़ी काम किया है, काम उन्होंने देखो जितने पब्लिक में लोग हैं पूरा पिछले साल, यानी बिजली का बिल वगैरह भी 200 किए, बहुत काम किए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंसान क्या है ना, इंसान ना शुक्रा जानते हैं क्या चीज़ क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानता। ना शुक्रा ये होता है कि आपके साथ कितना भी अच्छाई करो, कितनी भी अच्छाई करो, लेकिन क्या सोचते हैं इंसान मालूम क्या, ऐसा नहीं हुआ, एक न एक वो कमी निकालता रहता है इंसान, एक न एक कमी, अरे यार ऐसा सा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा सा ऐसा नहीं हुआ, तो इंसान है तो इंसान निकालता रहेगा, कमी निकालता रहेगा, कमियाँ निकालते रहते हैं मामा। नहीं नहीं नहीं, वो मैं तो नहीं सुना, लेकिन इंसान को बोल रहा हूँ इस तरीके से करता है इंसान जो होता है ना, क्या कहते हैं कि आपके पिताजी कितना भी आपके साथ, लेकिन पिताजी यार कुछ नहीं किए, फलाने के पिताजी देखो ऐसा किए, वो ऐसा किए,
लेकिन जो है तो आप देखें काम, आप देखें जगह जगह बिजली, जगह जगह खेती पहले क्या होती थी, पहले आप देखें ना, पहले कभी आप खेती कुछ नहीं होती, लेकिन जगह जगह इतना पानी, इतनी रोड, इतना ये सब कुछ पहुंचा हुआ है और ट्रेन हमारे सब कुछ पहुंचा दिया है। नहीं काफ़ी, नहीं काफ़ी काम भाई पहुंचा है। देखो लग रहा भैया किसकी सरकार बनवा रहे हैं, क्या सर क्या लग रहा है? मामा की क्या वजह है, मतलब मामा की सरकार बनाने की? क्योंकि मामा भी पेट नहीं भरा है और खाली पेट खाली है भैया, पेट जब तक पूरा ना भर जाएगा तब तक मामा ही रहेगा। मामा मतलब जब तक पेट ना भर दें तब तक मामा ही रहेंगे। बाकी कमलनाथ भी तो आ रहे हैं पेट भरने के लिए, वो नहीं भर पाएंगे ना, जिनकी सत्ता है केंद्र पे तो वो पेट भरेंगे, मामा के अलावा कोई नहीं पेट भर सकता। क्यों नहीं भर सकते, 15 महीने में कांग्रेस आई तो मीडियम क्लास का आदमी तो खत्म हो गया। नीचे स्तर का आदमी बढ़ रहा, ऊपर स्तर का आदमी बढ़ रहा, मेन तो मीडियम क्लास का खत्म हो रहा है, बीच वाला आदमी। हम लोग को क्या फैसिलिटी मिल रही है, किसी को 450 में सिलेंडर मिल रहा, किसी को 600 में मिल रहा, हमको तो 1000 रुपये मिल रहा है 900 रुपये में। हाँ फिर भी मामा मामा आएगा, क्योंकि जो लाडली बहना योजना है ना उससे जय श्री राम हो गया बस, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ तो कांग्रेस वाले जो सपना देख रहे हैं वो पूरा सपना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जब प्रचार करने उतरेंगे देख लेना, राहुल गांधी आ जाए चाहे सोनिया गांधी आ जाए चाहे प्रियंका जी आ जाए उससे कुछ नहीं होने वाला है, टक्कर में कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। कमलनाथ जी भी नहीं, नहीं नो। कैसी रही थी 15 महीने की सरकार वो कमलनाथ जी की? सब माफियाओं की रही, खींचतान जितना करप्शन था खींचो खाओ, रजिस्ट्री करवाना है तो 25,000 का 1,00,000 रुपया दो, कमीशन बाजी हराम खोरी सब यही था 15 महीने की सरकार। हाँ लेकिन वो तो कर्जा माफी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, कुछ नहीं होना है 15 महीने में कुछ। रजिस्ट्री हमको रजिस्ट्री करवाना था, कमलनाथ की सरकार थी वहाँ 1,50,000 रुपये लगा रजिस्ट्री करवाने में। हाँ इतना बुरा हाल था, हाँ ये हाल था, तो इसलिए नहीं चाहते कि कमलनाथ जी आ जाए। हाँ बस मामा ही मामा हो रहा, मामा ही आएगा, मामा मामा की टक्कर में कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं इतना काम कर दिया मामा। जी 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 दिलों में बसते हैं क्या? जी जी मध्य प्रदेश की जनता चाहती है मामा को? मामा मामा क्यों भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? भैया ने बता दिया ना, ये तो कह रहे हैं मामा के अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं भाई, ऑप्शन में कोई है ही नहीं भैया, कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। कमलनाथ जी भी ऑप्शन में नहीं रख रहे क्या? नहीं नो नो कोई नहीं ऑप्शन में, मामा की तरफ मामा के अलावा कोई नहीं ऑप्शन में। क्यों भाई साहब आपको भी यही लग रहा है क्या? मामा के अलावा कोई नहीं है, मामा के अलावा कोई नहीं है कांग्रेस में, नहीं कांग्रेस तो कोई है ही नहीं है आसपास, बहुत बड़ा बलिदान मिल गया उनको, कांग्रेस तो आएगा ही नहीं, आएगी नहीं कह रहे, आने वाली है इस बार, अरे नहीं आएगी। भाई साहब आप बता दीजिए क्या लग रहा है इस बार? मामा जी है भैया और क्या, मामा जी है तो मामा जी क्यों है? मामा जी इतना कार्य कर रहे हैं सबके लिए, हम लोगों के लिए भी कर रहे हैं, पथ योजना निकाले हैं, 10,000 से शुरुआत किए हैं, आज हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्याज से पैसा मिल रहा है। हाँ तो इतना कर दिया मामा, कोरोना वायरस में इतनी महामारी में हम लोगों को सपोर्ट किए, बकायदा बैंकों में पैसा डाले, 1,000 500 रुपये सपोर्ट। और कांग्रेस पार्टी कह रही है मामा सिर्फ झूठ बोलते हैं। मामा जी की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग हम हमारे दृष्टि में तो चली रही हैं, बहना योजना हो चाहे लाडली लक्ष बच्चे की योजना हो चाहे बहुत प्रकार की योजनाएं, हम ही लोगों को मिली है 10,000 रुपये की योजना, अभी 20,000 रुपये मिला है। हाँ बकाया 20,000 रुपये किस चीज के मिले? पथ योजना, ये हम लोगों को फुटपाथ वालों को। हाँ सरकार मतलब मामा सबके बारे में सोच रहे हैं, मामा जी तो सबके बारे में सोच रहे हैं तभी तो उनकी सरकार चल रही है। और क्या इस बार तो मामा गए, अब ये तो देखिए चुनावी मुद्दा है, अब गए नहीं गए ये तो अब उनके हाथ में है, जाने देंगे मामा को या नहीं? पार्टी तो पहले बुलाए कैंडिडेट, वो तो डिक्लेयर करे कि हाँ मामा जी हैं कि कौन है उनका कैंडिडेट। आप क्या सोचते हैं मामा जी को जाने देंगे या नहीं? नहीं, बहुत से लोगों के मन में तो यही है कि भैया कि जैसे चल रहे थे वैसे ही चले मामा जी, और जिस तरह से चला रहे उससे और अच्छा चलाए, अच्छा चलाए राज्य को।